हमीरपुर दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में अपने निवास स्थान पर जन समस्याएं सुनी। इस दौरान सुबह से ही अनुराग ठाकुर के घर पर दूर दूर से आए लोगों ने जन समस्याएं रखी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंजाब में इन विधानसभा चुनावों में जनता कांग्रेस को आईना दिखाएगी और जनता करारा जवाब देगी। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी देशों से रिश्ते मैत्रीपूर्ण हो लेकिन सीमा पर अतिक्रमण भी भारत कतई सहन नहीं करेगा। पंजाब में नगर निगमों के चुनावों में भाजपा चौथे स्थान पर रहने पर अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब में लोकतंत्र की हत्या हुई है और विपक्ष को पर्चा तक भरने नहीं दिया गया है, उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग का जीता जागता उदाहरण पंजाब में देखने को मिला है और जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को आईना दिखाया जाएगा। मुझे लगता है पंजाब में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह से विपक्ष को पर्चा तक भरने पर रोक लगाई गई, जिस तरह से वहां पर हिंसा की घटनाएं हुई, उसमें लोकतंत्र भी शर्मसार हुआ है। आज राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो सत्ता का दुरुपयोग क्या होता है उसका एक जीता जागता उदाहरण पंजाब में देखने को मिला। जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो कांग्रेस को एक बार आईना वहां पर देखना ही पड़ेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व के चलते चीन को घुटने टेकने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि देश के पड़ोसी देशों के रिश्ते मैत्रीपूर्ण हों लेकिन अतिक्रमण को कतई सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत शांति चाहता है और शांति से मसले हल करना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत इतना सशक्त है कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सकता है, जिससे चीन को पीछे हटना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। देखिए, जब चीन अतिक्रमण की नीति को लेकर और उस सोच को लेकर बॉर्डर पर अपने प्रयास कर रहा था, तब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, एक इंच भी जमीन अपने देश की नहीं जाने दी और मोदी सरकार के नेतृत्व के कारण चीन को भी घुटने टेकने पड़े। हम सदा चाहते रहे कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे हमारे रिश्ते अच्छे हों, मैत्रीपूर्ण हो। लगातार भारत ने दुनिया भर के देशों की मदद की और अपने पड़ोसियों की तो विशेष तौर पर की है, लेकिन अतिक्रमण वाली नीति को लेकर हमारा रुख बड़ा स्पष्ट है कि भारत इतना ताकतवर है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है, लेकिन हम लड़ाई नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमने अपनी ताकत दिखाई, चीन को भी पीछे हटना पड़ा और मैं इस पे नहीं जाऊंगा किसकी कितनी कैजुअलिटीज हुई, हमने पहले दिन से ये स्टैंड रखा है। हम शांति चाहते हैं लेकिन कमजोर नहीं है, कोई हमें कमजोर ना देखे। ये वो भारत है जो सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है।